सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइज, ये वाला वीडियो जो पुशर्स हैं उनके लिए सिर्फ, एंड बाकी लोग भी देख सकते हैं, लेकिन जो पुशिंग करना चाहते हैं आगे लेजेंड लीग में, तो उनके लिए मतलब सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी और जो नया नए न्यू स्ट्रेटजीज आ रहे हैं उनमें से कुछ हम देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं यार अपने जो इंडिया में लोकल में अभी वन पे है क्राफ्टी, एंड वो हमारे क्लैन में है, एंड उसके कुछ अटैक रिप्लेस आज मैं दिखाने वाला हूँ और कुछ अपने क्लैन के बंदों का भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्राफ्टी का जो अटैक था यहाँ पे है, तो ये है साउथ। साउथ को जानते होंगे आप लोग, एंड उसका भी यूट्यूब चैनल है एक 15K कुछ सबसे उसके, और ज़्यादातर वो डॉक्टर मुश्तवा के जो जेमिंग के वीडियोस है या अटैक्स के उसके वीडियोस डालता है, तो उस पर अटैक किया था क्राफ्टी ने। एंड ये वाला हॉग्स, ओके, तो ये हॉग मास हॉग्स है, एंड देख सकते हो ये आर्मी, अभी ज़्यादातर लोग यही आर्मी यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला इसने स्टार्ट कहाँ से किया है वो देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से एक आर्चर टावर क्लियर कर रहा है, दो हॉग्स डाला है, एंड बेबी ड्रैगन एलिक्सर कलेक्टर क्लियर किया, एंड यहाँ से क्वीन हॉग स्टार्ट होगा। तो क्वीन अभी सीधा यहाँ पे जाएगी आर्चर टावर की तरफ, एंड यहाँ पे एक डार्क बैरक्स बचा हुआ है, तो देखते हैं। एंड उसको ओके, तो विजार्ड ने क्लियर कर दिया, सही है। एंड यहाँ से भाई ने वॉल ट्रिगर छोड़ा है और किंग उधर से, ताकि किंग उधर का क्लियर करे एंड क्वीन सीधा टाउन हॉल पे जाए, तो देखते हैं कैसा हुआ। मैंने देखा नहीं अटैक अभी तक, एंड वहाँ पर पिक्का आया। ओके, तो क्वीन अंदर जा रही है, अच्छी बात है, एंड उस साइड से सब क्लियर होते रहेंगे, पिक्का क्लियर करेगा। एंड किंग भी यहाँ पे जा रहे हैं, तो किंग सीसी को ओके, सीसी में आर्चर्स थे ओके, तो एक वीच है शायद, एंड एक बेबी ड्रैगन है, एंड बहुत सारे आर्चर्स हैं। तो यहाँ पे किंग मर गया और क्वीन की अभी भी एबिलिटी है, और मेरे को लगता है टाउन हॉल नहीं मिलेगा क्योंकि सीज यहाँ पे ही फूट चुका है। एंड एक्सपोज यार, चारों एक्सपोज शायद मिल चुके हैं, एंड पेक्का अभी भी वहाँ पे ज़िंदा है, तो सीसी का पेक्का एंड आइस गोलेम निकला अभी। तो यहाँ से हॉक छोड़ा है क्राफ्टी ने, एंड सबसे पहला ईगल आर्टिलरी ले लेगा वो, तो क्वीन की एबिलिटी अभी भी बची हुई है, एंड एक रेज एंड दो हील है, तो सबसे पहला रेज डाला भाई ने, एंड एक इन्फर्नो डाउन हुआ, और अभी भी दो हील पड़ा हुआ है, एंड अभी हील आया। ओके, तो सारे हॉक शायद हील हो जाएंगे यहाँ पे, एंड ओके, आधे हील हो गए, आधे अभी भी हाफ लाइफ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे यार जो टाउन वाले है वो उठ चुका है और डैमेज उसका चालू है, लेकिन भाई क्राफ्टी के पास दो हील था अभी भी, एंड वार्डन की एबिलिटी अब भी डाल चुका है। ओके, थोड़ा जल्दी हो गया, लेकिन हो गया टाइम पे, हो गया हील, और फास्ट कर लेते थोड़ा। क्वीन एबिलिटी अभी भी है, तो देख सकते हो बहुत इजीली 3 स्टार हो गया, एंड इजीली तो नहीं, लास्ट में हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया था, हॉग्स एबिलिटी थोड़ा जल्दी हो गया वार्डन का, नहीं तो और भी इजीली हो जाता। तो ये एक हॉग का हॉग अटैक था। ओके, एंड नेक्स्ट वाला देखना, नेक्स्ट अटैक जो है उसका यहाँ पे है कुछ 97% हुआ था ये वाला, तो ये है पर्शियन गल्फ, तो ये भी एक पुशिंग क्लैन है, एंड सब जानते होंगे ज़्यादातर जो भी पुशर्स हैं, तो मरियम इस क्लैन में बहुत पहले से है, और ये बेस देख सकते हो, और एक ये थोड़ा अलग है अटैक स्ट्रेटजी, एंड इसमें 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन है और आधा बोल सकते हो आधा लावालून की आर्मी है, एंड उसके साथ कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रो ड्रैगन्स का, तो हीरोस पहले डाला है इसने, एंड हीरोज से थोड़ा क्लीन अप होता है, एंड देन ईडीज जो मेन चीज़ें हैं वो जाके उड़ाती है, एंड फिर जो बचे हुए हैं वो लावालून से क्लियर होता है। ओके, तो यहाँ पे ईडीज के लिए फनल बनाया जा रहा है हीरोज से, एंड यहाँ पे सारे अपना ई ड्रैगन्स आएंगे इन्फर्नोस के इधर शायद, देखते हैं अभी क्या होता है अटैक में, एंड फास्ट करता हूँ मैं थोड़ा। तो ओके, तो स्टोन स्लैमर और 3 इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे आया, एंड देखते हैं कितना डीप तक जा पाएंगे लोग बेस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी इतना बेनिफिट नहीं मिलता है एंड उतना हाई परसेंटेज नहीं हो पाता अटैक, ये वाले स्ट्रेटजी में ये प्रॉब्लम है।
एंड यार बहुत सही, बहुत इलेक्ट्रोस बहुत डीप में चले गए एंड ईजिली टाउन हॉल और क्वीन दोनों देख सकते हो। सब कुछ ईडीज नहीं ले लिया, 50% समझो ईडीज नहीं कर दिया, वो भी 2 स्टार समझो ले लिया, ऐसा हो गया। एंड यहाँ से लावालून आया, तो मेरे को लग रहा है अगर ये लावालून यहाँ से आता तो वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता। एंड पता नहीं क्या हुआ यार, टाइम का इशू हुआ है क्या हुआ, क्योंकि अटैक तो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड लग रहा था देखने में एंड फास्ट करता थोड़ा, तो 80% शायद टाइम का ही इशू आया इसमें और ये भी डाउन हो गया। ओके टाइम देख सकते हो, ये भी अटैक कितना सही था और 97% पे एंड हुआ। और उसके बाद देखते कोई और अटैक शेयर किया है क्या क्राफ्टी ने, तो नीचे जाते हम लोग एंड ए प्लस 31 डॉक्टर स्क्वाड पुश। तो ये पता नहीं क्लैन कहाँ का है, लेकिन अपने इंडिया में लोकेशन इसका होते रहता है। तो उस क्लैन का बंदा है शुभो पुश, कुछ ऐसा ही नाम है। तो इस पर भी वही वाला नहीं, इस पर हॉग वाला अटैक है, हॉग स्ट्रेटजी से। तो ये बेस यार देखा है पहले भी हम लोग ने बहुत बार, तो फास्ट कर लेता हूँ। और भी बहुत सारे रिप्लेस बचे हुए हैं एंड यहाँ से क्वीन वॉक स्टार्ट हुआ और यहाँ से सीज आएगा। ओके क्वीन एकदम सही जा रही है, लावालून था सीसी में एंड किंग क्लीन अप कर रहा है साइड से। और क्वीन की एबिलिटी अभी भी है, एक इन्फर्नो डाउन एंड किंग अभी टाउन हॉल को। ओके तो यहाँ पे तीनों इन्फर्नोस क्वीन ने ले लिया एंड टाउन हॉल हॉक्स ने लिया, शायद मैंने मिस कर दिया हो, फिर से देखना पड़ेगा। ओके तो बहुत ही ओके तो इसमें भी लास्ट वाला हील मेरे को लग रहा है थोड़ा गलत हुआ, लास्ट वाला हील यहाँ पे आ सकता था यहाँ के बजाय। बहुत सही है फिर भी, ये भी कुछ 97% ही रहेगा शायद। इसमें भी टाइम का टाइम फेल बहुत होता है यार एयर अटैक्स में एंड इसमें भी टाइम फेल हुआ, देख सकते हो कितना सही अटैक था। ओके एक मिनट मेरे को बैक करना पड़ेगा। और उसके बाद और भी रिप्लेस थे, एक मिनट। ओके विदाउट हीरोज ऑन मैक्स TS12। ओके तो एक भी हीरोज़ नहीं है एंड ईडी की आर्मी है, तो सबको पता है इलेक्ट्रो ड्रैगन यार बहुत ओवर पावर्ड ट्रूप है, अगर बहुत सही से यूज़ करोगे तो हर अटैक 3 स्टार हो सकता है उससे। ओके तो देख सकते हो यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन आया क्लियरिंग के लिए, क्योंकि हीरोज नहीं है तो मेन क्लीनअप पे परसेंटेज ही निकलता है, तो ये भी डाउन हो गया। ओके ऑलरेडी 26% आ चुका है सिर्फ 2 इलेक्ट्रो से एंड इन्फर्नो कितना, तीनों। ओके तीनों इन्फर्नो डाउन हो गए एंड और यहाँ पे आया इलेक्ट्रोस, सो बेस इलेक्ट्रो के लिए ही था एंड 54% और 56% हो चुका है। यहाँ पे बैटल ब्लिम्प आया और सीधा टाउन हॉल पे जाएगा, वार्डन नहीं है ध्यान में रखना, तो हील भी नहीं होगा कुछ, फिर भी 71% एंड यहाँ पे इलेक्ट्रो 70। ओके अभी भी एक बेबी ड्रैगन बचा हुआ था, बेबी ड्रैगन यहाँ से आया एंड मिनियंस। ओके देख रहे हो 80% हो गया बिना हीरोज एंड मैक्स टाउन हॉल 12 बोल सकते हो, आर्चर टावर है एक दो बचा हुआ, वॉल्स देखो पूरा मैक्स है और हीरोज भी मैक्स थे, तो 80% हुआ, 80% पेंड हुआ। ELF है ने अटैक किया था एंड जो नेक्स्ट अटैक है वो है कोनिक्स ने शेयर किया था, वो ऊपर होगा। तो ये वाला बेस, ये बेस जानते हो बहुत लोग अभी वॉर बेस में भी ये बेस को रखते हैं, तो इस पर कोनिक्स ने अटैक किया है, पिकअप बोबैट और सबसे पहला यहाँ पे 2 EDs क्लीन अप के लिए एंड फिर फनलिंग ट्रूप्स सीधा टाउन हॉल के इधर जा रहे हैं, तो टाउन हॉल तो मिलेगा तभी 3 स्टार होगा, अगर टाउन हॉल अगर मिस कर देते हो ये अटैक में तो यार दोस्त एक ही स्टार रह जाता है। एंड देख सकते हो यहाँ पे बोबैट बहुत ही ईजिली 3 स्टार हो गया। ओके अभी भी किंग क्वीन की एबिलिटी बची हुई है एंड यहाँ पे सिर्फ टेस्लास दिख रहे हैं और कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, तो ये 3 स्टार है एंड और भी फास्ट कर लेता हूँ। ओके तो हो गया ये भी इजीली 3 स्टार
उसके बाद देखते हैं कोई और अटैक हुआ है क्या शेर, तो भी मैं दिखाता हूँ। एंड ओके, तो क्राफ्टी गया। एंड गाइज यही दिखाना था इस वाले वीडियो में। एंड देख सकते हो अभी भी क्राफ्टी 1 पे ही है, तो कितना सही अटैक था, तीनों 3 स्टार होता, लेकिन 9-9 ट्रॉफी समझो उसने मिस कर दिया सिर्फ टाइम की वजह से। तो देख सकते हो बहुत सही पुश किया है इस सीज़न उसने। एंड होप करते अच्छे से एंड करे, 1 पे ही एंड करे सीज़न में। एंड गाइज यही रिप्लेस दिखाना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कीप सपोर्टिंग यार एंड बाय बाय।